दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर जहां लोगों को जहरीली हवा का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ आसमान में उड़ने वाले बेजुबान पक्षी भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। प्रदूषण के चलते न केवल मनुष्य बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, बल्कि पक्षियों के अस्पताल में भी मरीज पक्षियों का तांता लगा हुआ है। गुरुग्राम के पक्षियों के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर राजकुमार की माने तो इस साल सबसे ज्यादा पक्षी मरीज सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले महीने तकरीबन 80 पक्षी मरीज उनके अस्पताल में पहुंचे हैं। इसका सबसे मुख्य कारण प्रदूषण आ रहा है। प्रदूषण के चलते पक्षी चिकन पॉक्स व कोराइजा जैसी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, जो काफी चिंताजनक है। भाई साहब, एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर राजकुमार, बर्ड हॉस्पिटल गुड़गांव, जयकमपुरा। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से लगातार एक्यूआई लेवल बढ़ रहा है, वायु प्रदूषित होती जा रही है, तो इस पे पक्षियों पे किस तरीके का असर पड़ रहा है? देखिए, पक्षियों पे क्या है कि एक तो इनको काफी दिक्कत हो रही है प्रदूषण के कारण, जिससे कि इनकी आंखों में कोराइजा नामक एक बीमारी होती है, वो चिपक जाती है इनकी आंखें, और इनके जो फेफड़े होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, जो कि इनको सांस लेने में इंसानों से काफ़ी ज़्यादा जो है पंपिंग करनी पड़ती है। जहाँ इंसान बढ़ते पोल्यूशन की वजह से अनेकों बीमारी झेल रहे हैं, तो पक्षियों में कौन कौन सी बीमारी है और कितने घातक पक्षियों के लिए देखते हैं? देखिए, पक्षियों में बहुत घातक बीमारियाँ जो है प्रदूषण से फैल रही हैं, जिससे कि इनको एक तो सांस लेने में परेशानी होती है, और इनको आँख चिपक जाती है इनकी, जिससे कि वो आँख देख नहीं पाते हैं, गिर जाते हैं। अगर हॉस्पिटल प्रॉपर टाइम पर ले आते हैं लोग बाग तो इलाज हो जाता है, अगर हॉस्पिटल नहीं ला पाते, वो कहीं गिरा हुआ है तो वहाँ पर चोट लगी है या प्रदूषण से किसी से, वहाँ पर डेड भी हो जाते हैं। इस दौरान दिवाली के बाद की बात करें तो कितनी परसेंट जो पक्षी हैं जिनके अंदर अब बीमारियाँ आई हैं, उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? देखिए, हमारे पास इस बार काफ़ी ज़्यादा पक्षी आए हैं, जिससे कि एक महीने में भी हमारे पास 70-80 के पक्षी आ गए थे, जिससे प्रदूषण ज़्यादा था। होली से, वो दिवाली से पहले प्रदूषण ज़्यादा था, तो उनमें काफ़ी बीमारियां थी, जैसे आँख में आँख की है, सांस लेने में परेशानी है, कोराइजा है, चिकन पॉक्स है, ये सब बीमारियां थी।